यूं ही नहीं मैं हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद बन जाता हूं। सैनिक स्वीट सुपारी, हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा के आवास पर जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि को कार्यक्रम प्रभारी हरीश सोमपुरा, नेता प्रतिपक्ष सागवाड़ा पालिका और नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट के प्रभार में उनके जन्म सदी वर्ष में स्मृति दिवस के रूप में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर मनाया। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष ताजेंग पाटीदार ने की। मुख्य अतिथि की भूमिका पूर्व प्रधान शंकरलाल डेचा ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व पालिका उपाध्यक्ष नारायणलाल दर्जी, पूर्व जिला महामंत्री अशोक पटेल, सागवाड़ा पंचायत समिति प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा और जिला उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य रेखा रोत थे। स्वागत उद्बोधन ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नटवरलाल पटेल ने दिया। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में शंकरलाल डेचा, ताजेंग पाटीदार, अशोक पटेल, रेखा रोत, नारायणलाल दर्जी ने सुंदर सिंह भंडारी के जीवन चरित्र और उनका जनसंघ और भाजपा के प्रति समर्पण को कार्यकर्ताओं के बीच साझा किया। उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए और केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाकर वंचित, शोषित और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। इस अवसर पर जिला मंत्री आशा पाटीदार, नगर महामंत्री नीरज पंचाल, मनोज कंसारा, ग्रामीण मंडल महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान, सिद्धनाथ मंडल महामंत्री धीरज राजावत, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नयन कटारा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्ण सिंह चौहान, पार्षद रेखा कटारा, पार्षद करण हरिजन, ओबीसी मोर्चा की नगर अध्यक्ष दिलीप मोर पटेल, ग्रामीण मंडल के कचरूलाल पाटीदार, संतोष भोई, पूर्व पार्षद दुलजी यादव, युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिलीप जोशी सहित भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन हरीश सोमपुरा ने किया और आभार श्याम भट्ट ने दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिल्कुल, हमारे स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी साहब जो जनसंघ के जमाने से, जो एक जनसंघ के समय जो उन्होंने काम किया, जनसंघ के काम करते करते कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी की और बढ़ोतरी करते करते धीरे धीरे जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व पे नंबर एक की पार्टी जो जाकर खड़ी है वो हमारे पूर्वज आदरणीय भंडारी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, ये इन सारे जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने आज जो स्तंभ भारतीय जनता पार्टी का खड़ा किया है वो उन सब की बदौलत से हम पूरे भारत में और पूरे विश्व में नंबर एक की पार्टी बनी है और पूरे भारत के अंदर आज मोदी जी जो नंबर एक के नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से नंबर एक बने हैं और उनके कर्ता धर्ता हमारे भंडारी साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे प्रमुख वरिष्ठ हमारे स्वर्गीय भंडारी साहब के द्वारा यह स्तंभ जो पार्टी संगठन खड़ा किया है। आज उनकी पुण्यतिथि, हम सारे सागवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता एकत्र होकर उनकी पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई और बस बड़े जोश उल्लास से और सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उनके उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। जय हिंद। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारे महामना सुंदर सिंह भंडारी जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो समर्पित भाव से त्याग और तपस्या जो करके इन्होंने राष्ट्र के लिए जो काम किया है और हमें जो कार्यकर्ताओं को जो प्रेरणा दी है उसको प्रेरणा को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो विश्व में नाम है उसको और आगे करेंगे और राष्ट्र प्रति जो भावना थी आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी साहब की उसको हम स्मरण करते हुए हम कार्यकर्ता आगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।